हेलो गाइस, वेलकम टू कैंपस एक्स। आज के वीडियो में हम एक जावा का डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम देखेंगे विच इज़ कॉल्ड द ऑनलाइन स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम। और हम ये जावा से करने वाले हैं और स्टैक्स से करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कोड दिस इन जावा। सो व्हाट द प्रॉब्लम इज कि यू बेसिकली हैव टू क्रिएट अ क्लास स्टॉक स्पैनर जो क्या करता है, विच कलेक्ट्स द डेली प्राइस फॉर सम स्टॉक और उसका स्पैन रिटर्न करता है। ठीक है, और स्पैन क्या है, एक स्टॉक का प्राइस का स्पैन क्या है, वो है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डेज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एंड गोइंग बैकवर्ड्स फॉर विच द प्राइस ऑफ द स्टॉक वॉज लेस देन और इक्वल टू टुडेज प्राइस। मतलब अगर आज मुझे कोई स्टॉक का प्राइस मिल रहा है तो उसके पहले के कितने दिन पहले इस करंट प्राइस से कम प्राइस था। ठीक है, सो दैट इज द स्पैन। इफ यू पॉज द वीडियो एंड सी द डेफिनेशन यू विल अंडरस्टैंड। तो हाउ विल वी डू दिस, हमको बस एक फंक्शन चाहिए विच इज द नेक्स्ट और इस पर हम हर दिन प्राइस डालेंगे कि टूडेज प्राइस इज दिस और हम प्राइस को इंटरनली स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, और ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा कि आज का प्राइस लेगा, ये स्पैन कैलकुलेट करेगा, मतलब पीछे देखेगा कितने ऐसे दिन हैं कंसेक्यूटिव जिसमें इस करंट प्राइस से कम प्राइस है, वो रिटर्न करेगा, वो है स्पैन। फॉर एग्जांपल, इफ मैंने मेरा पहला दिन का स्टॉक प्राइस था 100 तो ये रिटर्न करेगा 1, फिर अगर 80 था तो ये 1 रिटर्न करेगा, और जैसे ही 70 मिला मेरे को आफ्टर 60 भी डाल दिया, 60 का भी 1 आफ्टर 70, ये पीछे देखेगा कि कितने ऐसे दिन हैं जितने जिसमें 70 से कम स्टॉक प्राइस है, तो 70 खुद है और 60 तो ये 2 रिटर्न करता है। ऐसे ही 75 पे देयर आर 4 डेज जिसमें कम है, तो देयर आर सो द स्पैन इज 4 एंड फॉर 85 इट 6। और हम ये करने वाले हैं स्टैक्स से। और बाय द वे, क्वेश्चन मैंने लीड कोड से उठाया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा। सो इनपुट आउटपुट कैसे होगा, आपको बस ये स्टॉक स्पैनर क्लास बनाना है और जो टेस्ट फाइल होगा उसमें हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और एक एक करके नेक्स्ट में हर दिन डालते जाएंगे, हर दिन मतलब एक एक करके लिखते जाएंगे कि 100 फिर 60 और बेसिकली आपको रिटर्न करना है इसका स्पैन, करस्पॉन्डिंग 100 के करस्पॉन्डिंग स्पैन। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि हम एक स्टैक रखेंगे जिसमें अगर हर दिन का प्राइस आता है सो वी आर गोइंग टू पुश इट इन दैट स्टैक, क्योंकि हमको पुराने दिन का भी स्टैक चाहिए ना, मतलब पुराने दिन का भी प्राइसेस चाहिए ताकि हम देख सके इसका स्पैन क्या है, और हमको एक टेम्पररी स्टैक चाहिए। तो लॉजिक ये है कि हम पहले करंट डे के स्पैन मतलब प्राइस को इसमें पुश कर देंगे, फिर क्या करेंगे, एक एक डे के प्राइस को यहाँ से पॉप करेंगे और यहाँ पे पुश करते जाएंगे और एक काउंटर बढ़ाते जाएंगे। सो बेसिकली हमको स्पैन कैलकुलेट करना है, तो देखना है कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 100 से कम है, और स्टैक से तो हम बस एक ही नंबर निकाल सकते हैं। इट्स नॉट लाइक एरे कि हम हर एक इंडेक्स पोजीशन को कॉल करके देख लें, क्योंकि मैंने स्टैक बोला है यू कैन ओनली यूज 2 ऑपरेशंस, पुश एंड पॉप। सो हम इसीलिए एक टेम्पररी स्टैक ले रहे हैं। सो हम एक एक करके नंबर निकालेंगे, यहाँ से पॉप करेंगे और यहाँ पे पुश करेंगे। ठीक है, और हम कब तक पुश करेंगे, जब तक कोई नंबर ऐसा नहीं मिल जाता जो 100 से ज़्यादा हो। अगर 100 से ज़्यादा हो गया तो मतलब वी हैव हमारा स्पैन ख़त्म, मतलब वी विल कैलकुलेट स्पैन अप टू दिस थिंग, और जैसे ही हम लोग का काम हो गया, स्पैन कैलकुलेट हो गया, तो हम फिर से वापस डाल देंगे इस स्टैक पे ये सारे नंबर्स, क्योंकि फर्दर कैलकुलेशन के लिए भी, फर्दर देश के प्राइस के लिए भी हम लोग को ये स्टैक लगेगा टू कैलकुलेट स्पैन। सो पहले हम क्या करेंगे, 100 जैसे ही आया 100 घुसा दिया हमने, फिर 100 को यहाँ पे टेम्पररी इस स्टैक से पॉप किया, टेम्पररी स्टैक पे पुश किया और हमने काउंटर बढ़ा दिया, ये काउंटर बेसिकली स्पैन कैलकुलेट कर रहे हैं। देन 50 को भी, 50 को क्यों, क्योंकि 50 100 से कम है। फिर हम 60 को भी यहाँ से यहाँ तक यहाँ से पॉप करके यहाँ पर पुश कर देंगे, सो काउंट 3 है ना। और फिर हम 200 को नहीं करेंगे क्योंकि 200 इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, सो वी हैव कैलकुलेट द स्पैन। अब फर्दर कैलकुलेशन के लिए, मतलब फर्दर डेज के प्राइस के कैलकुलेशन के लिए हमको ये पूरा स्टैक लगेगा, ये सारे नंबर्स लगेंगे। सो हम यहाँ से
पॉप करके यहाँ पे पुश कर देंगे सारे नंबर्स। तो एक एक करके हम 60 को यहाँ यहाँ पर डाल देंगे, फिर 50 को, फिर 100 को, ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग काउंट को रिटर्न कर देंगे। सो दैट्स बेसिकली द आइडिया। और बाय द वे पीपीटी खत्म हुआ तो कोडिंग सेक्शन में चलते हैं। सो हियर आई एम एट द कोडिंग सेक्शन। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली एक क्लास बना रखा है स्टॉक स्पैनर, और इसका एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है। और आवर क्वेश्चन वॉज कि हमें बेसिकली ये फंक्शन बनाना है नेक्स्ट, जो क्या कर सके, जो हर दिन के प्राइस के लिए उसका स्पैन कैलकुलेट करके दे। सो इट विल रिटर्न द स्पैन। सो बेसिकली वी हैव टू यूज अ स्पैन स्टैक, राइट। सो हम जावा का बिल्ट इन स्टैक यूज कर लेते हैं। बाद में हम लोग ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे खुद का स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे, खुद से कोड करेंगे, आइदर एरे से या फिर लिस्ट से। बट अभी के लिए टू कीप थिंग्स सिंपल मैं जावा का स्टैक यूज कर लेता हूँ, जो है हमारे यूटिल्स पैकेज में, यूटिल डॉट स्टैक, ठीक है। और यहाँ पे हम एक स्टैक बना ही लेते हैं। सो स्टैक, और इसमें क्या 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 रहेगा, बेसिकली इंटीजर्स रहेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं स्टैक, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, स्टैक इक्वल टू न्यू स्टैक। यहाँ पे स्टैक का साइज मेंशन नहीं करना पड़ता है, सो आई गेस ये लोग लिस्ट से ही इंप्लीमेंट करते हैं, लिंक लिस्ट से, बट व्हाटएवर, इट्स गुड फॉर अस। और हम यहाँ पे एक टेम्पररी स्टैक भी रखेंगे, तो आई विल क्रिएट टू स्टैक्स, ठीक है, टेम्प स्टैक्स इक्वल टू न्यू स्टैक। अब क्या करना है कि जैसे ही हम लोग को प्राइस मिला आज के दिन का, वो हम लोग स्टैक पे पुश कर देंगे, हमारा जो नॉर्मल स्टैक है, डॉट पुश क्या प्राइस। फिर हम लोग एक काउंटर बनाएंगे जो स्पैन कैलकुलेट कर सके, मैं काउंट ना रख के मैं इसको स्पैन नाम दे देता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके इस स्टैक से निकालेंगे चीज़ें, और फिर हम लोग उस उन चीज़ों को टेम्पररी स्टैक में भरते जाएंगे और स्पैन को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। सो हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरियन क्या है इस स्टैक से, मतलब पॉप करने के लिए, मतलब हम पॉप तो करेंगे, व्हाट विल बी आवर स्टॉपिंग क्राइटेरियन, हम कब तक पॉप करेंगे, जब तक कि जो करंट प्राइस है इस प्राइस से ज़्यादा कोई नंबर ना मिल जाए, ऐसा ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पॉप दिस थिंग, मतलब मैं अभी के लिए कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज स्टैक डॉट पॉप, और पॉप करके हम कहाँ डालेंगे, विल बी स्टोरिंग इट इन द टेम्पररी स्टैक, ठीक है, जैसे हमने बोला था। सो टेम्पररी स्टैक में हम पुश कर देंगे, ठीक है। और ऐसा हम लोग कब तक करेंगे, जब तक कि जो स्टैक का पहला, जो स्टैक का ऊपर का टॉप एलिमेंट है वो इस प्राइस से बड़ा ना हो, राइट, वही तो आइडिया था। तो ऊपर के एलिमेंट देखने के लिए विदाउट गेटिंग इट आउट वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड पीक। ये क्या करता है, स्टैक के ऊपर जो एलिमेंट है वो निकाल के देता है। सो इफ द स्टैक डॉट पीक इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू प्राइस, तब तक हम पॉप करते रहेंगे। अगर जैसे ही प्राइस, जैसे ही ऐसा नंबर मिला जो इससे प्राइस से बड़ा हो, तो ये बंद हो जाएगा। और हमको स्पैन भी कैलकुलेट करना है, तो स्पैन प्लस प्लस, एक एक करके निकालते जाएंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे, हो गया स्पैन कैलकुलेट। अब स्पैन जैसे ही कैलकुलेट हो गया, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इस टेम्प स्टैक में जो जो हमने पुश किया था वो वापस स्टैक में पॉप कर पुश कर देना है, राइट। क्योंकि जब नेक्स्ट बार ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो उसके लिए भी हम लोग को पुराना दिन का डेटा चाहिए, सो दैट्स गोइंग टू स्टे इन दिस स्टैक। सो हम टेम्प स्टैक से स्टैक में घुसाएंगे जो भी है, और कब तक घुसाएंगे, जब तक कि टेम्प स्टैक एम्प्टी ना हो। सो हम ये लिखेंगे व्हाइल टेम्प स्टैक डॉट इज एम्प्टी, नहीं, व्हाइल टेम्प स्टैक इज Not empty, we are going to pop things from temp stack, और हम लोग stack push करते जाएंगे। और फिर last में हम लोग क्या कर देंगे, return span, आज के दिन का span।
सो ये बेसिकली आपका कोड, हमने यहाँ पे स्टैक से निकाला, टेम्प स्टैक में पुट किया, तब तक जब तक कि ऐसा कोई नंबर ना मिल जाए जो प्राइस से बड़ा हो, स्पैन कैलकुलेट किया, फिर वापस से टेम्प स्टैक से स्टैक में घुसा दिया और रिटर्न स्पैन। और हम लोग अब एक टेस्ट क्लास भी बना लेते हैं जिससे देख सके कि ये नेक्स्ट फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं। सो आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू जावा क्लास जिसको नाम देते हैं टेस्ट स्टॉक जो भी है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस स्टॉक स्पैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो स्टॉक स्पैनर, मैं एसपी नाम रख देता हूँ, न्यू स्टॉक स्पैनर। फिर हम लोग क्या करेंगे, sp.next। ओ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये कुछ भी मेन मेथड में नहीं लिख रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, पाइथन में ऐसा नहीं होता है, सो डोंट प्लीज फॉरगिव मी। मैं नॉर्मली पाइथन में कोड करता हूँ, बट दिस ट्यूटोरियल इज फॉर जावा, सो आई रियली अपोलोजाइज। ठीक है, सो पहले हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट 100 करते हैं, फिर ऐसे करके हम 60-70 डालते जाएंगे। तो मैं इसका टेस्ट केसेस बना ही लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस चले आए कि पहले मैंने 100 दिया, फिर 80, फिर 60। तो इसके आंसर्स क्या होना चाहिए, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 6। सो इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। ओ हाँ, यहाँ पे एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन दे दिया, क्योंकि हमने ये तो चेक ही नहीं किया कि अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो इसमें पीक कैसे करेंगे हम लोग, वी कैन नॉट डू दैट। सो हम लोग को एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर स्टैक में एलिमेंट है और वो एलिमेंट करंट टॉप एलिमेंट प्राइस से ज़्यादा है तो ये लूप नहीं चलेगा, या फिर कब चलेगा, जब कोई एलिमेंट है और स्टैक एम्प्टी नहीं है, एंड स्टैक डॉट नॉट इज एम्प्टी। तो हम लोग एक बार और चला लेते हैं टेस्ट स्टॉक को। ओके, अभी भी ये बग दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा कि एम्प्टी है कि नहीं। और मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, एंड देयर यू गो, देयर इज योर आंसर, 1, 1, 2, 1, 4, 6। नाउ आई एम रियली सॉरी गाइस इतने सारे बग्स के लिए, क्योंकि मैं भी ऑन द फ्लो कर रहा था, सो आई एम सॉरी, बट यू गेट द आइडिया। सो वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम जहाँ पे यू हैव टू मेक दिस स्टॉक स्पैनर क्लास, और यहाँ पे नेक्स्ट मेथड पे आपको स्पैन रिटर्न करना है एक प्राइस का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।